तो आपका नाम क्या है? जयप्रकाश। अच्छा, जैसे कि जो बंदे स्टेबिंग करते हैं या हकलाते हैं, जैसे कि मैं भी हकला करके आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपका इसका क्या रिव्यू है कि हम ऐसा बंदा क्यों है, मतलब जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है? और दो चीज़ होती हैं, एक तो होती है या तो वो बंदा नर्वस हो या फिर ऑन एक्चुअल प्रॉब्लम हो उसकी टंक में, मेरे हिसाब से दो ही चीज़ होनी चाहिए। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपको जैसे कोई अंधा मिलता है या फिर लंगड़ा मिलता है, तो उसके ऊपर आपको देख के हंसी नहीं आती, आपको थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा आपको जैसे कि दया फील होता है। लेकिन जैसे कोई बंदा स्टेमिंग करता है, तो मैं खुद ही स्टेमर हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा कोई स्टेमर करता है उसको देख करके मुझे हंसी आती है, तो ऐसा क्यों है कि वो किसके ऊपर हम हंस देते हैं या उसके हम पेन को नहीं समझ पाते हैं? ये तो डिपेंड करता है उसके मेंटलिटी के, सामने वाला क्या डिपेंड करता है, क्या मेंटलिटी है उसके। कुछ लोग होते हैं उस पर व्यंग करते हैं या हंसते हैं या तो जैसे कि मैं टोटली मतलब इतना सर्वे मतलब कुछ किया हूँ, तो मतलब टोटली स्टेमिंग पे स्टेटिंग पे टोटल मतलब इस पर ठीक करने का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो मतलब आपके बारे में क्या सजेशन है कि वो बंदा मतलब कैसा करे, या फिर वो बंदा चुपचाप बैठ जाए, या फिर मतलब कंटिन्यू लोगों से बातचीत करते रहे? कंटिन्यू लोगों से बातचीत करे, बैठना तो मतलब ये कि तुमने खुद ने हार मान ली, तुम कुछ नहीं कर रहे हो, या तो कंटिन्यू बातचीत करे उससे सॉल्यूशन होता है या फिर डॉक्टर के सॉल्यूशन। ओके, मतलब कंटिन्यू लोगों से बातचीत करे और शेयर करे, मतलब तो शायद कुछ से रिड्यूस हो जाएगा, मेंटली भी मिलेगा कि यार ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोग मतलब खाली मतलब उसका हवा बना करके रखे हुए हैं।